द रोड 2009 की ये मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है और दुनिया मिट जाने के बाद ये मूवी हमें दिखाई गई है। इस मूवी में फादर और सन दोनों साउथ जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वहाँ अच्छा एनवायरनमेंट है। रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल से वो बचते हुए वहाँ जाते हैं। ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताऊंगा। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एक आदमी अपने गार्डन में होता है। वो अपने हाउस को टेंट कर रहा होता है। वही एक औरत भी देखती है, वो उसकी वाइफ होती है, वो भी उसे देख रही होती है। अच्छे सा गार्डन, उनका घर हमें दिखाया गया है, यानी अब तक दुनिया खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि रात में वही आदमी जगता है और उसके आसपास सब जल रहा होता है। उसका घर नहीं जल रहा होता पर उसका एनवायरमेंट सब जल रहा होता है। फिर वो अपनी वाइफ को उठाता है, टैप वगैरह स्टार्ट करता है। इस पानी वो छिप जाते हैं, यानी कि उनको उस हीट से ज्यादा तकलीफ ना हो, इससे वो बच सकते हैं। उस आदमी की वाइफ हमें प्रेग्नेंट दिखती है। नेक्स्ट सीन में हमें वही आदमी देखता है पर उसकी अब दाढ़ी वगैरह सब बढ़ चुकी है। उसके बेटे के साथ वो होता है, उसका बेटा भी अब बड़ा हो चुका होता है, वो फादर बन चुका होता है। उसकी वाइफ हमें कहीं भी नहीं दिखती। वो एक केव में सोए हुए होते हैं। जब वो उठता है और देखता है तो हमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में अंधेरा छा गया है, ट्रीज वगैरह सब कुछ जल चुके हैं। उसका बेटा उठ जाता है, वहाँ थोड़ा अर्थक्वेक आता है और उसके बेटे को बोलता है कि कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक अर्थक्वेक था, यानी कि अर्थक्वेक भी यहाँ कॉमन है। फिर फादर और सन दोनों हमें रोड पर दिखाए गए हैं। उनके पास एक कार्ट होता है, वहाँ अपनी सब चीजें वो रखते और ऐसे खींचते खींचते वो जा रहे होते हैं। फिर फादर हमें बोलता है कि ऐसे कुछ अर्थक्वेक आए थे, उसके बाद बहुत ही ब्राइट लाइट था और सब खत्म हो चुका था। उसे पता नहीं होता कि ये कौन सा मंथ होता है। वो हमें बोलता है कि हर दिन डार्कर होता जाता है, कोई भी पेड़ कोई भी एनिमल नहीं बचा है। वर्ल्ड में जो ठंडी होती है वो हर दिन बढ़ती जाती है। रोड्स पर लोग दिखते हैं जो भी कहाँ जा रहे होते हैं। फादर हमें बोलता है कि मैं हमेशा तीन चीजों की वरी करता रहता हूँ, फूड, ठंडी और शूज। फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू होता है, इन दोनों को आदमियों से भी बचकर रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ कैनिबलिज्म भी होता है, यानी आदमी आदमी को खाता है। इतनी खतरनाक सिचुएशन होती है फिर भी जो आदमी होता है वो गॉड पर बिलीव करता है, वो अपने बच्चे में गॉड को देखता है, इसलिए वो जिंदा रहना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें रात होती हुई दिखती है और वो अपने बच्चे को कॉमिक बुक से स्टोरी सुनाता है। रात में ही जंगल में आग लग जाती है, उन्हें सोने को भी नहीं मिलता और उन्हें वहां से जाना पड़ता है। वो आगे आते हैं और वहां उन्हें एक घर दिखता है। वो बहुत ही भूखे होते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां कुछ खाने को है या नहीं। वहां पॉट्स होते हैं पर उसमें खाना नहीं होता। वहां हमें दिखता है कि कुछ लोगों ने सुसाइड की है। तो वो बच्चा पूछता है कि इन्होंने सुसाइड क्यों की। फादर बोलता है कि तुम्हें पता है इन्होंने क्यों की होगी। फिर वो फादर अपने सन को गन देता है, उसे बोलता है कि तुम्हें इस तरह से तुम्हारे माउथ में रखना है और ट्रिगर पुल करना है। उसे सिखा रहा होता है कि जब वक्त आए तो अपने आप को मार सके। उनके पास दो ही बुलेट बची हुई होती है। नेक्स्ट सीन जो होता है वो फ्लैशबैक का है। ये फादर और जो मदर होती है वो हमें दिखाए गए हैं। ये मदर प्रेग्नेंट होती है और फादर उसके लिए बीन्स लाता है। उनका घर जो होता है वो स्टॉक्ड होता है, यानी कि वर्ल्ड खत्म हो जाने के बाद ये सीन है। वो उसे खाना देता है तभी उसका वाटर ब्रोक हो जाता है, यानी कि अब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, वो बोलती है कि नहीं, मैं मेरे बेटे को इस जगह नहीं ला सकती, ये रहने लायक नहीं है। उसे बहुत ही दर्द होता है पर फिर भी वो उसे डिलीवरी कर देता है। फादर और सन दोनों रोड पर होते हैं, फिर उन्हें गाड़ी की आवाज आती है। ये पूरी ट्राइब होती है, बहुत सारे लोग यहाँ होते हैं, पर इन दोनों को लोगों से भी बचकर रहना होता है क्योंकि ये कैनिबलिज्म भी यहाँ हो सकते हैं। फिर ये दोनों छिप जाते हैं। वो जहाँ छिपे होते हैं वही वो सब रुक जाते हैं। आदमी आता है और वो टॉयलेट कर रहा होता है, तभी इन दोनों को वो देख लेता है। फादर उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम पीछे मत देखो और आगे ही देखते रहो, तुमने तुम्हारे साथियों को अगर बुलाया तो तुम्हें मार दूंगा। फादर पूछता है कि तुम कहाँ से हो। वो बोलता है क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। उन आदमियों के पास राइफल्स वगैरह भी होती है। तो फादर पूछता है क्या तुम्हारे पास गोलियां हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फादर फिर उससे पूछता है कि तुम खाते क्या हो। वो बोलता है जो भी हमें मिल सके, यानी कि वो कैनिवल है। वो आदमी फिर फादर से बोलता है कि तुम्हारे पास इसके लिए गोलियां भी है या नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुमने पूरी लाइफ में किसी को भी नहीं मारा। ये बोलकर वो सन पर झपक जाता है। वो उसे मारने वाला होता है तभी फादर गोली चलाता है और उसके सर पर वो गोली लगती है। बच्चा बच जाता है और बच्चे को लेकर वो फादर भागता हुआ हमें दिखता है। इस आदमी का जो क्रू होता है वो सब उसे ढूंढते हैं पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। वो नदी के यहाँ छिप जाते हैं। बच्चे को वो नहलाता है। उस आदमी का जो ब्लड होता है तो बच्चे पर लगा हुआ होता है, वो सब वो पूछता है। फिर हमें फादर बोलता हुआ दिखता है। वो हमें बोलता है कि मैं जैसा भी दिखूं पर मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ,
मुझे डाउट है कि जब टाइम आएगा तो क्या मेरे बेटे को मैं समझा सकूंगा, क्या हम ये सब कर सकेंगे, यानी कि वो सुसाइड के बारे में बात कर रहा होता है, क्या वो ये सब कर सकेगा। फिर वो अपने बेटे को बोलता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम फ्लैशबैक में आते हैं, हमें मदर और फादर दोनों दिखाए गए हैं। मदर फादर से बोल रही होती है कि वो हमें पकड़ लेंगे, लोग आएंगे हमें मार देंगे, उससे पहले वो मुझे रेप करेंगे और हमें फिर खा जाएंगे। उसके पास गन होती है पर दो ही बुलेट्स होती है। वो बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैंने अपने आप को भी मार दिया होता और हमारे सन को भी मार दिया होता। फादर उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत है, हम क्विट नहीं कर सकते। वो बोलती है कि सब लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं। फिर से हम मूवी के टाइम पीरियड में आ जाते हैं और फादर अपने सन को बोल रहा होता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छे लोग बचे नहीं हैं, हमें हमेशा बुरे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, हमारे अंदर जो फायर है वो हमें हमेशा अलाइव रखनी है, यानी सोल के बारे में वो बात कर रहा होता है। जैसे फादर ने एक आदमी को मारा हुआ होता है तो फिर बच्चे के मन में डाउट होता है, वो पूछता है कि क्या हम अभी भी अच्छे लोग हैं, तो फादर बोलता है कि हम हमेशा अच्छे ही रहने वाले हैं। फिर वो एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ की वेंडिंग मशीन से सोडा उन्हें मिलता है, बच्चे ने कभी सोडा भी नहीं पिया होता। फादर उस बच्चे को बोलता है कि आज तुम्हारी ट्रीट है, बच्चे को वो बहुत ही अच्छा लगता है। रोड पे जो सुनसान कार्स होती है उसमें वो हमें सोए हुए दिखते हैं, बच्चा बोल रहा होता है कि मुझे मदर की बहुत ही याद आती है, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे मदर के पास में चला जाओ, उसे सुसाइड करने का मन हुआ होता है। फादर बोलता है कि कभी भी तुम्हें ये सोचना नहीं चाहिए, हम दोनों को तुम्हारी मदर को बुला देना चाहिए। फादर उसकी वाइफ को बुलाने की कोशिश करता है पर जब भी वो सोता है तो उसके अपने वाइफ के ही सपने आते हैं। उसके सपने वो देखता है कि उसकी वाइफ उसे पियानो बजाना सिखा रही होती है। उसे नींद नहीं आती और वो बाहर आ जाता है, अपनी रिंग वो निकाल देता है और फेंक देता है। उसे फिर याद आ रहा होता है, उसकी मेमोरी में उसकी वाइफ उसे बोल रही होती है कि मुझे जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो और भी कोल्ड हो रहा होता है, तो उसे बोलकर जाती है कि तुम नेक्स्ट सीजन तक नहीं बच सकोगे, तुम्हें साउथ की तरफ बढ़ते जाना है। फादर उसे बहुत ही समझाता है पर वो नहीं सुनती, उसे मर जाना होता है इसलिए वो चलने लग जाती है, अंधेरे में वो चली गई ऐसा हमें दिखता है। फादर और सन को उनकी जर्नी में एक वाटरफॉल भी दिखता है, वहाँ रेनबो बनाया हुआ होता है, वो दोनों पानी में बहुत ही खेलते हैं। फिर से वो रोड में लग जाते हैं, उन्हें एक हाउस दिखता है, ये बहुत ही बड़ा हाउस होता है, वहाँ अंदर जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो उस घर में एक अंडरग्राउंड स्टोरेज स्पेस होता है। फादर देखना चाहता है कि अंदर क्या है, जब वो अंदर जाते हैं वहाँ बहुत सारे आदमी होते हैं, उन्हें स्टोर कर कर रखा हुआ होता है, उनके आसपास ब्लड भी पड़ा हुआ होता है, उनमें से बहुत सारे आदमी एम्पुटेटेड होते हैं, यानी कि उनके बॉडी ऑर्गन्स निकाले हुए होते हैं, कुछ लोगों ने इन्हें कैदी बनाया हुआ होता है और उन्हें खा रहे होते हैं, ये फादर को समझ में आ जाता है और फिर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी वो आदमी वहां आ जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं और ऊपर जाकर छिप जाते हैं। वो जो स्टोरेज प्लेस होता है वहां का लॉक उन्होंने नहीं किया होता, वो जब ऊपर होते हैं तो फादर सन को बोलता है कि तुम्हें अब ब्रेव बनना है, वो फिर उसके सन के सर पर गन रखता है और उसे गोली मारने वाला होता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर घर में जो आदमी है उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो उसे खा जाएंगे, पर तभी अंडरग्राउंड जो स्टोरेज होता है वहां से लोग बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं, इससे जो गैंग ने उन लोगों को कैदी रखा होता है उनमें कंफ्यूजन होता है। इसी आवाज में फादर और सन वो दोनों निकल जाते हैं और छिप जाते हैं, रात जब होती है फिर वो वहां से चले जाते हैं, ये दोनों बहुत ही भूखे होते हैं। चलते चलते फिर वो फादर के टाउन आ जाते हैं, फादर बोलता है कि मैं यहाँ यही पड़ा हुआ था, अपने सन को बाहर रुकने के लिए बोलता है, उसे अपने हाउस में एक मूवमेंट चाहिए होता है। उसका सन बाहर होता है तभी उसे कुछ दिख जाता है, वो जाकर देखता है तो वहाँ और एक बच्चा होता है, वो अपने फादर को आवाज देता है, फादर भी भागता भागता वहाँ आ जाता है, वो उसे रुकने के लिए बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। उसके फादर को लगता है कि उसके बच्चे को आभास हुआ होगा, वहाँ कोई भी नहीं है, ऐसा वो अपने सन को बोलता है। रात में वो सोए हुए होते हैं तब फादर से वो बच्चा पूछता है कि क्या अब हम मर जाने वाले हैं, फादर बोलता है कि नहीं, भूख से मरने में हमें बहुत टाइम लगता है। फिर वो एक घर आ जाते हैं, वहाँ अच्छे से बेड होते हैं, पानी होता है और सब कुछ चीज़ें होती है पर खाना वहाँ नहीं होता। फिर वहाँ सोते हैं और जब जागते हैं और घर से निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर के बाहर एक बंकर है, सन उस बंकर में जाने से डर रहा होता है पर फादर अंदर जब जाता है तो बहुत सारी खाने की चीज़ें वहाँ होती है, कैन फूड होती है जो खराब नहीं हो सकती, ये बहुत सारा वहाँ अवेलेबल होता है, दारू और सिगरेट्स भी होती है, ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, ये उनकी लाइफ का बहुत ही अच्छा दिन होता है। फिर वो बहुत सारा खाना खाते हैं, अदर बच्चे के लिए बेड वगैरह भी लाता है
और फिर वह आराम से वहां सोते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फादर जब सोता है तो अपनी वाइफ को फिर से याद करता है। नेक्स्ट दिन फादर अपने सन को घर में लेके जाता है, उसे नहलाता है, उनके हेयर्स वगैरह सब बड़े हुए होते हैं तो वो कट करते हैं। फिर वो रात में सिविलाइज लोगों की तरह खाना खाते हैं। फादर भी थोड़ा ड्रिंक करता है। मिडनाइट में उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। सन बोलता है ये डॉग होगा, और फादर को लगता है कि अब वो वहाँ सेफ नहीं रहे। फिर फादर बोलता है कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। उनका जो कार्ट होता है उसमें वो कुछ खाना रख लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो जब आगे आते हैं तो उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है। तो ओल्ड मैन उनसे बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम ले लो। फिर वो दोनों बोलते हैं कि हम तुम्हें रॉब करने के लिए नहीं आए। सन बोलता है कि ये बहुत ही भूखा है, इसे हम खाना दे सकते हैं। फादर पहले ना बोल रहा होता है, सन फिर परसिस्ट करता है, इसलिए उसे खाना दे देते हैं। सन फादर से पूछता है कि क्या हम इसे हमारे साथ लेकर जा सकते हैं। फादर फिर उस ओल्ड मैन को उसके साथ डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। रात में वो खाना खाते तो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं ज्यादा कुछ देख नहीं सकता, मुझे पता है कि तुम दोनों वहां हो पर इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं दिखता। फिर वो पूछता है कि ये क्या तुम्हारा बच्चा है। फादर बोलता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है। ओल्ड मैन से भी वो पूछता है कि तुम्हारा भी बेटा था। ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मेरा भी बेटा था। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं किसी भी छोटे बच्चे को फिर से कभी नहीं देखूंगा, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। फादर फिर उस ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम्हारे सन को क्या हुआ। फिर ओल्ड मैन उसे बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड है। तो वह जब होती है उसमें ओल्ड मैन को वही छोड़कर वो चले जाते हैं। वो जब आगे जाते हैं तो बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ होता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रू में रह रहे होते हैं, पर वो आदमियों को ही पकड़ कर उनका शिकार कर कर खाते हैं। वो वहाँ रुक जाते हैं और छिप जाते हैं। फिर वो एक चर्च में आकर सो जाते हैं। जो फादर होता है उसे बहुत ही खांसी आ रही होती है, उसकी खांसी में ब्लड भी आता है। उसके पास ज्यादा दिन नहीं होती जीने के लिए। फिर फादर अपने सन को एक मैप दिखाता है। वो बोलता है कि हम कोस्ट से बहुत ही पास है, यानी कि कोस्ट पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं और वहाँ वो अच्छे से रह सकते हैं, वहाँ फूड वगैरह हो सकता है, ऐसा उन्हें लग रहा होता है, इसलिए वो समुन्दर के पास जा रहे होते हैं। वो फिर चल चल कर वहाँ आ जाते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं होता। सन को फीवर आ जाता है तो फादर उसकी केयर लेता है, उसे टेंट बनाता है और उसमें सुला देता है। वहाँ एक शिप उसे दिखती है तो फादर अपने सन को बोलता है कि मैं अभी आया, उस शिप में कुछ होगा तो मैं लेकर आता हूँ। वहाँ फिर हमें एक आदमी आता हुआ दिखता है, वो जो टेंट होता है वो बच्चे का वो टेंट लेकर जाता है, उनका कार्ड भी लेकर जाता है। बच्चा सोया हुआ होता है, जब बच्चा उठता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हुआ है। फादर भी वहाँ आता है, फादर के पास एक फ्लेयर गन भी होती है और कुछ सप्लाईज होते हैं। वो अपने बच्चे को पूछता है कि क्या हुआ। बच्चा बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर फादर बोलता है जिसने भी लिया होगा उसे हम ढूंढ लेंगे। फिर भागते भागते जाते हैं और उस आदमी को ढूंढ लेते हैं। उस आदमी के ऊपर वो गन रखता है और कार्ड छोड़ने के लिए बोलता है। फादर पूछता है कि कितना टाइम हो गया तुम हमें फॉलो कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ तुम्हारा कार्ड देखा और मैंने वो ले लिया। फिर फादर बोलता है कि तुम्हारे जो भी कपड़े हैं वो सब निकालो और कार्ड में रख दो। उसने उनके साथ जो किया होता है वही अब फादर उसके साथ भी करना चाहता है। वो आदमी बहुत ही डर रहा होता है, वो रोने लग जाता है मेरे साथ प्लीज ये मत करो, पर फिर भी वो वहां से उसके कपड़े लेकर चले जाते हैं। फिर सन उसके फादर को बोलता है कि हमें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था, उसके पास कपड़े भी नहीं है, वो मर जाएगा। फादर बोलता है वैसे भी वो मरने वाला है। सन बोलता है कि वो भूखा होगा इसलिए उसने ये सब किया होगा। फिर फादर मान जाता है और फिर वो उसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो आदमी था। उसके लिए उसके कपड़े फिर से रख देते हैं और उसके खाने के लिए भी एक डब्बा उसे रख देते हैं। फिर वो एक कोस्टल सिटी में आ जाते हैं। वो जब वहां आते हैं फिर उन पर हमला हो जाता है, विंडो से उन पर एक एरो चल जाता है। फादर के पैर पर वो लगता है, वो कवर लेते हैं। जब वो देखता है कि विंडो से वो आ रहा है तो फादर अपनी जो फ्लेयर गन होती है वो विंडो पर चला देता है। वहां जो आदमी होता है उस पर वो फ्लेयर गन लग जाती है और वो वही मर जाता है। वहां एक औरत भी होती है जो रोने लग जाती है। फादर उस औरत को छोड़ देता है, अपनी जख्म को मलहम पट्टी वगैरह वो करता है और फिर से वो बीच पर आ जाते हैं। फादर की हालत अब बहुत खराब होती है। फादर फिर अपने बच्चों को बोलता है कि तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना है, फिर से तुम्हें रोड पर जाना है, पर तुम्हें बहुत ही सावधानी बरतनी है, बहुत सारे बुरे लोग वहाँ होंगे, तुम्हें हमेशा अच्छे लोगों को ढूंढना है और उनके साथ ही रहना है। यह बहुत ही हार्ड हो सकता है पर तुम्हें जीना है, तुम्हारे अंदर की जो फायर है उसे तुम्हें हमेशा सेव करना है। वो अपने सन को साउथ ही जाने के लिए बोल रहा होता है। वो बोलता है कि अब तुम्हें मुझे छोड़ देना है, तुम्हें अब रोक नहीं सकता। फिर फादर नेक्स्ट दिन वहाँ मर जाता है।
वो बच्चा बहुत ही रोता है, पर अपने सफर के लिए फिर वो रेडी होता है। वो गन अपने पॉकेट में रखता है। फिर वह दिखता है कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा होता है। वो उस आदमी से पूछता है कि जो आदमी तुम्हारे पास था, कि क्या वो तुम्हारे फादर थे? बच्चा बोलता है कि हाँ, वो मेरे फादर थे। उस बच्चे ने उस आदमी पर गन पॉइंट की होती है। वो बोलता है कि प्लीज मुझ पर वो गन पॉइंट मत करो। उस आदमी का जो फिंगर होता है वो कटा हुआ होता है। हमने पहले भी जब देखा था कि जो आर्मी उन्हें मिला था, जिसके कपड़े उन्होंने ले लिए थे, उसका भी फिंगर कट हुआ था। फिर ये जो नया आदमी है वो इस बच्चे को बोलता है कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, हम दोनों तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। तुम्हारे पास दो चॉइस है, तुम रोड पर अगर जाओगे तो तुम्हें बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें रोड से अलग ही चलना है। बच्चों को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो उन फैमिली के साथ जाने वाला होता है। फिर वो अपने फादर के पास आता है और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। वो उस फैमिली की जो मदर होती है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा, मैंने तुम्हें तुम्हारे फादर के साथ देखा था, हम तुम्हें फॉलो कर रहे थे। हमें अब यहाँ पता चल जाता है कि बच्चा यहाँ सेफ है। अब हम कटे हुए फिंगर की बात करते हैं। ये जो दोनों आदमी थे जिनके फिंगर्स कट हुए होते हैं, ये दोनों एक ट्राइब का हिस्सा है। ये जो ट्राइब है ये किसी को आदमी को नहीं खाती। ये एक नॉवेल था, इस पर ये मूवी बनी हुई थी। इस नॉवेल में बताया गया है ये जो आदमी होते हैं ये हमेशा ट्राइब में रहते हैं। इससे हमेशा साइन होता है जिससे पता चल जाता है कि कौन सा आदमी किस ट्राइब का है। ये जो कटा हुआ फिंगर है ये वही ट्राइब का निशानी है जो आदमियों को नहीं खाते। ये जो न्यू फैमिली होती है उसका जो आदमी होता है उसका भी फिंगर कटा हुआ होता है। तो अब ये बच्चा 100% सेफ है। ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।